Pedal equation of a particle moving in a central orbit. मान लीजिए कि यह सेंट्रल ऑर्बिट है और किसी वक्त पार्टिकल पॉइंट पी पर है हम जानते हैं कि यह प्लेन कर्व होता है तो हम मान लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं यह एंगल थीटा है और सेंट्रल और फोर्स भी वही है और फोर्स पर यूनिट मास एफ है यानी एक्सेलरेशन जो पार्टिकल पे लग रहा है वो एफ है वो ओ की डायरेक्शन में है ये मान लीजिए टेंजेंट है पी पर टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है उससे हम जानते हैं फाई कहते हैं और ये अगर टेंजेंट है तो इस पर नॉर्मल जो होगा इसके 90 डिग्री पर होगा ये नॉर्मल की डायरेक्शन होगी तो ये अगर एक्सेलरेशन एफ है तो ये होगा एफ कॉस फाई और ये होगा एफ साइन फाई पोल से टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ को पी कहा जाता है मान लीजिए पी है पिडल इक्वेशन चूंकि यूज करेंगे निकालेंगे तो पी और आर में रिलेशन चाहिए ये आर है ये डिस्टेंस आर है ओपी तो नॉर्मल और टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखिए लेट पार्टिकल इज एट पॉइंट पी At any time t moving in central orbit let force per unit mass any acceleration let force पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज एफ देन नॉर्मल एक्सीलरेशन इज वी स्क्वायर बाय रो एफ साइन फाइ ये हमें मालूम है नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो वी स्क्वायर बाय रो होता है वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर तो स्पीड अगर वी है तो
ये वी हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं होता है आर डी आर बाई डी पी। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर डी आर बाई डी पी बाई साइन फाई साइन फाई इज, ये हमें पता है पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये रिलेशन कैलकुलस से मालूम है हमें। तो साइन फाई इज पी बाई आर, आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी है। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया डी पी बाई डी आर वी स्क्वायर बाई पी। दिस इज डी पी बाई डी आर। एक रिलेशन हम यहाँ पे आपको बता दें जिससे हम अभी प्रूव कर लेंगे, उसको पहले ही करना चाहिए था, अभी कर लेते हैं लेकिन इसको यूज कर लेंगे, कि H इज इक्वल टू पी वी, ये होता है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू पी इंटू वी वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पोल। तो इस लिहाज से v हो गया h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो ये पी क्यूब हो जाएगा डी पी बाई डी आर। तो दिस इज द पिडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, दिस इज पिडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ये जो रिलेशन है H इज इक्वल टू पी वी, इसको हम अभी प्रूव कर लेते हैं। इसे ब्रेनेट फर्स्ट फार्मूला भी कहते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। ब्रेनेट फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट इज एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी होता है, इसको लिख लीजिए डी थीटा बाई डी एस और डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी होता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड हो गया, और आर स्क्वायर डी एस बाई डी थीटा बाई डी एस, डी थीटा बाई डी एस, ये हम कैलकुलस से जानते हैं कि ये होता है साइन फाई इज इक्वल टू आर
डी थीटा बाई डी एस, ये कैलकुलस से मालूम होना चाहिए। तो आर डी थीटा बाई डी एस इज साइन फाई, तो दिस इज वी आर साइन फाई, आर साइन फाई पी होता है, तो एच इज इक्वल टू पी वी, ये रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल ऑर्बिट इज इक्वल टू वी इंटू पी, वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी